प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु दौरे के दौरान कांचीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और ऊर्जा क्षेत्र में कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के कुलबर्गी में कई विकास परियोजनाओं की दी सौगातें, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को भी किया संबोधित। उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने के फैसले को रखा सुरक्षित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के पुरस्कार किए प्रदान। इंदौर को लगातार तीसरे साल सबसे स्वच्छ शहर का मिला पुरस्कार। सबसे छोटे स्वच्छ शहर का पुरस्कार नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि उत्पादों के परिवहन और विपणन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की योजना की शुरू। भारतीय सेना के 60 सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को दिया जाएगा स्थायी कमीशन। सरकार देश भर में कल मनाएगी जन औषधि दिवस। देश के 650 जिलों में 5000 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र कर रहे हैं काम। विश्व बैंक देश के 13 राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना को 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर करवाएगा उपलब्ध। पाकिस्तान के आंतरिक मामले के मंत्रालय ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम 1997 के तहत कार्यवाही की है। पाकिस्तान ने हाफिज सईद के आतंकी संगठन पर लगाया प्रतिबंध। अब खबरें खेल जगत से। भारत ने कल नागपुर में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हराया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 की बढ़त बना चुका है। तीसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा।